नमस्कार, आप देख रहे हैं namofoodmedia.com। आपको बता दें कि झांसी के इरस्थाना क्षेत्र में इन दिनों बंदरों का आतंक बना हुआ है। घर या फिर बाजार, मौका लगते ही क्षेत्रवासियों को बंदर पकड़ लेते और उन्हें काट कर घायल कर देते हैं। अब तक कई बच्चे और आदमी व महिलाएं बंदरों के शिकार हो चुके हैं। इसके बाद भी अभी तक प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। बता दें कि झांसी के एरच में बंदरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहले बंदरों की उछल कूद और शैतानियों से क्षेत्रवासी परेशान रहते थे, लेकिन अब तो बंदर उछल कूद और शैतानी करने के साथ साथ क्षेत्रवासियों को काटने भी लगे हैं, जिससे स्थानीय क्षेत्रवासी दहशत में रहने लगे हैं। पिछले दिनों एक लड़की छत के कमरे में कपड़े उठाने गई थी और वहाँ बंदरों को देख दस्त में आकर छत से कूदना पड़ा, जिससे उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। इतना ही नहीं, अब बच्चे छत पर जाने में भी डरने लगे हैं। बंदरों का आतंक है। क्या है, क्यों, क्या कर रहे हैं बंदर? लड़की कपड़े लगाने गई थी अपने कमरे में, ऊपर वहाँ बंदर बैठे थे, उन्होंने थोड़ा सा भी नहीं छत पे से कूद गई, दोनों पाँव टूट गए उसके। अच्छा, और क्या क्या परेशानी है? पूरा मोहल्ला परेशान है यहाँ बंदरों के आतंक से। क्या चाहते हैं आप लोग? ये बंदर यहाँ से भगाए जाए और वन विभाग की टीम आए ना पकड़ के ले जाए यहाँ से। बंदरों से काफ़ी समस्या है, बंदर और तीन चार बंदर परेशान करते रहते, सब दुकानदारों को परेशान करते रहते, बच्चों को बहुत दहशत है इससे, बच्चे इधर उधर निकल नहीं पाते हैं बच्चों को। हाँ, एक लड़की के जयप्रकाश अहरवाल, उनकी लड़की को बंदर ने पटक दिया तो उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, हमारे बच्चों को भी काट लिया और मोहल्ले के काफ़ी बच्चे परेशान हैं उससे। क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि बंदरों से मुक्ति मिले। हाँ, मुक्ति मिले बंदरों को, मतलब कोई पकड़ के ले जाए इधर से, और क्या है।